साल 2020 में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हम एक अच्छी खबर लाए हैं। निवेशकों को जल्द ही मुनाफा कमाने का एक और मौका मिलने वाला है। जैसे पिछले साल 2019 में IRCTC के IPO ने निवेशकों को मालामाल कर दिया था, ऐसे ही अब लोग बेसब्री से SBI कार्ड्स के IPO का इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि SBI कार्ड्स के IPO में निवेश बेहतर विकल्प हो सकता है। आपको बता दें कि शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली बाजार नियामक SEBI ने SBI कार्ड का IPO लाने की मंजूरी दे दी है। इस IPO से कंपनी 9 से 10 हजार करोड़ रुपए की रकम जुटा सकती है। दरअसल SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का IPO मार्च की शुरुआत में लाने की तैयारी है। पहले इसकी फरवरी में आने की खबरें थी। SBI कार्ड्स कंपनी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप का मालिकाना हक है। कंपनी पहले अपने एंकर इन्वेस्टर्स के लिए शेयर जारी करेगी, इसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में IPO लॉन्च किया जाएगा। इस साल का ये पहला IPO होगा। कंपनी के IPO को मैनेज करने का जिम्मा कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बॉफा सिक्योरिटीज, HSBC, नोमुरा और SBI कैपिटल मार्केट्स पर है। अगर बात करें SBI की हिस्सेदारी की तो SBI की क्रेडिट कार्ड मार्केट में 18% की हिस्सेदारी है। SBI कार्ड 9.46 मिलियन क्रेडिट कार्ड के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक है। जानकारों की माने तो SBI कार्ड का IPO IRCTC से भी ज्यादा सफल होगा। आपको बता दें कि SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड SBI की क्रेडिट कार्ड यूनिट है। SBI कार्ड में देश के सबसे बड़े बैंक SBI की कुल 74% हिस्सेदारी है। बाकी का 26% हिस्सा अमेरिकी इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप के पास है। साल 2019 में IRCTC का IPO आया था। 10 रुपए अंकित मूल्य के शेयर का आधार मूल्य 315 से 320 रुपए तय किया गया था। इस IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था। BSE में 664 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और अब एक शेयर का भाव 1600 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अगर आपको IPO के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि ये होता क्या है। दरअसल जब भी कोई कंपनी पहली बार बाहर के लोगों संस्थाओं को अपने शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को IPO कहा जाता है। और जब आप इन शेयरों को खरीदते हैं तो आपको कंपनी में हिस्सेदारी दी जाती है। इसके बाद इन शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज में खरीद फरोख्त की जाती है। IPO में निवेश के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इस अकाउंट में IPO में निवेश का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर IPO की प्राइसिंग से जुड़ी कुछ जानकारियां भरने के बाद आवेदन किया जा सकता है। तो अगर आप भी निवेश करने के इच्छुक हैं तो ये मौका आपके हाथ से ना जाने दें।